हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। हो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी जगह का नाम, ठीक है, शहर का नाम या कोई भी आपको रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम हो, चिड़ियाघर हो, ये सब का नाम जो भी चेंज किया गया है, ठीक है, पुराना नाम से जो नया नाम किया गया है। तो इससे क्वेश्चन आपका बन रहा है एग्जाम में। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर के सेक्शन में इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं लेके आया आपको, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर नाम से रिलेटेड पूछेगा तो, ठीक है। और भी मैं इसको अपडेट करते रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इधर जो लिखा हुआ है वो है पुराना नाम, और इधर जो लिखा हुआ है परिवर्तित यानी कि नया नाम है। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला क्या है, मंडुआडी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश का था, उसका भी नया नया बदल के कर दिया गया है बनारस जंक्शन, ठीक है, बनारस जंक्शन इसका नाम रख दिया। पहले जो नाम था वो था मंडुआडी रेलवे स्टेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है मोहाली हॉकी स्टेडियम, ठीक है, इसका जो नया नाम है वो है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम, ठीक है। आपको पूछेगा कि बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम किसका नया नाम है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा जिसमें कि एक ऑप्शन रहेगा मोहाली हॉकी स्टेडियम, तो आपको ठीक कौन सा करना है, मोहाली हॉकी स्टेडियम, ठीक है। यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ज़्यादा मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा, बट बहुत ही काम का होगा, आपको जरूर इस वीडियो से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, गोरेवारा चिड़ियाघर जो कि आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है, और इसका जो भी नया नाम है वह है बाला साहेब ठाकरे गोरेवारा प्राणी उद्यान, ठीक है, बाला साहेब ठाकरे गोरेवारा प्राणी उद्यान, समझ में आपको। और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखिए माजेर हाट ब्रिज जो कि कोलकाता में था, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल का कैपिटल कौन है, कोलकाता, और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है। और माजेर हाट ब्रिज का जो नया नाम अभी किया गया हुआ है जय हिंद, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है दांदरपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में था, इसका नया नाम अभी है माँ बाराही देवी धाम, ठीक है ना। इसका ये इधर का जो है ये न्यू नेम है। आपसे पूछेगा दांदरपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो आपको बताना है माँ बाराही देवी धाम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, मोटेरा स्टेडियम, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, और जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेडियम है, तो क्रिकेट के लिए बनाया गया ये, और इसका जो अभी नया नाम हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम के नाम से है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम से है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, और अगर पूछेगा आपको इस किस नया नाम क्या है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अयोध्या हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम अभी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे श्री राम मंदिर को लेकर कितना ज़्यादा विवाद हुआ था, और ही कुछ जो है इसमें बहुत सारे विवाद होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है। और ये अयोध्या हवाई अड्डा कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है, जिसका नया नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। चलिए ठीक है, जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम अभी क्या कर दिया गया, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश का था, उसका भी नया नाम कर दिया है प्राइड स्टेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको जैसे कि दिल्ली का कोई एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर आपको जो मेट्रो रेल का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए प्राइड स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसका नया नाम है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है, श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, ठीक है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है प्रोग्रेस पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटल बिहारी जी का जो देहांत हुआ उसके बाद बहुत सारे नामकरण हुए हैं इनके, बहुत जगहों का नाम बदला गया इनके नाम पे, तो आप एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस पे। उसके बाद देखिए मुगल म्यूज़ियम जो कि आगरा में है, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, इसका भी नया नाम किया गया है।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंबाला सिटी बस स्टैंड। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नया नाम क्या कर दिया? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। आपको पता होगा सुषमा स्वराज जी का देहांत हो गया था, बहुत ही अच्छी जो है मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की, और उन्हीं के नाम पे दो तीन चीज़ बदला गया है, तो आपको एकदम ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है विदेशी सेवा संस्थान, इसका नया नाम कर दिया गया सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान की जी के नाम पर, ठीक है। एकदम नया नाम जो भी चेंजेस हुआ है आपको एकदम पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको पुटअप होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई सेंट्रल रेलवे, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम कर दिया है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारे रेलवे का एग्जाम चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए एनटीपीसी CVT 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रेलवे सुरक्षा बल का जो भी नया नाम किया गया है वो क्या गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, याद रखिएगा। उसके बाद है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका भी नाम बदल के कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के नाम पर किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इनका नया नाम कर दिया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, ठीक है, प्रबंधन संस्थान। आपको पता होगा अरुण जेटली हमारे इंडिया के क्या थे, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्रालय इनका हाथ में था, ठीक है। अभी इनका देहांत हो गया है कुछ दिन पहले, तो इसीलिए इनका नामांकन किया गया है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के ऊपर, ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, भोपाल मेट्रो रेल, इसका जो नया नाम किया गया है भोज मेट्रो किया गया है। पिनानी नासी सुरंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको क्या, इसका सही आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, इसका जो नया नाम है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। उसके बाद है वेलर द्वीप, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलर द्वीप, इसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। आपको पता होगा APJ हमारे जो थे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, बहुत ही अच्छे, तो इनके नाम पे बहुत सारे कुछ चेंजेस किया गया है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हैवलॉक द्वीप नील द्वीप, तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम कर दिया क्या है शहीद द्वीप। देखिए शहीद होने के बाद सबका जो बॉडी कैसा हो जाता है, नील हो जाता है, तो ये आप इस तरह से क्लिक करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है रॉस द्वीप, इसका नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, देखिए रॉस और ये बॉस, तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप वहाँ पे आंसर में आसानी से पहुँच सकते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली में है, क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है अहमदाबाद शिमला इलाहाबाद, इस सब का नाम देखिए अहमदाबाद का नाम चेंज करके किया गया है नया नाम कर्णावती, शिमला का नया नाम कर दिया गया है श्यामला, इलाहाबाद का नया नाम कर दिया है प्रयागराज, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, प्रयागराज सबको पता चल गया, और शिमला का जो है श्यामला ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है अयोध्या, गुड़गांव का नाम बदल के कर दिया गया है गुरुग्राम, और होशंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है नर्मदापुरम, समझ में आपको। उसके बाद झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो कि उड़ीसा में, इसका नया नाम है अभी वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा, ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल क्या है भुवनेश्वर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आपको नया नाम से क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो के अंदर ही आएगा, तो आप इस वीडियो को दो या तीन बार देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, इसका नया नाम क्या है अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डा, इसका नया नाम क्या है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नया रायपुर का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है अटल नगर, साबरमती घाट का नाम बदल के कर दिया गया है अटल घाट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसका नया नाम है अभी अटल पथ, और हजरतगंज चौराहा इसका नया नाम है अटल चौक, ठीक है। अगरतला हवाई अड्डा का नया नाम है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा। बोगीबिल पुल का नया नाम है अटल सेतु, और कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है दीनदयाल बंदरगाह। तो इस वीडियो से देखिए वीडियो का ज़्यादा लंबा है नहीं, ठीक है ना, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो है, और इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दो या तीन बार आप अगर वीडियो सुन लेते हैं आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मैं
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हूँ इसमें, बहुत ही जल्दी ये वीडियो ये टॉपिक को ख़त्म किया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि चैनल ग्रो हो और मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही ढेर सारा वीडियो आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।